डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं या परमानेंट डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक पेज को लॉगिन कर लेना है, लैपटॉप या कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे, सेम प्रोसेस सब में होता है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने इस अकाउंट वाले लोगो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पे। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको क्लिक करना है सेटिंग पे। अब जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अलग सी विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे देखेंगे ये मेटा अकाउंट सेंटर का है, तो ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है इसमें आप नीचे देखेंगे यहाँ लिखा है सी मोर इन अकाउंट सेंटर। आपको यहाँ पे लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया प्रोफाइल यानी डिस्प्ले ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब जैसे ही आप पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है अकाउंट्स ओनरशिप एंड कंट्रोल। इस पे आपको जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। नीचे वाले ऑप्शन पे लिखा है डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। फिलहाल हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए आपका जो अकाउंट्स होगा, फेसबुक अकाउंट होगा, जो भी नाम होगा वो यहाँ पे शो करेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में सिंपल सा यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप केवल डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आप डीएक्टिवेट वाले गोले पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन अगर आपको परमानेंटली इस अकाउंट को डिलीट ही करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे परमानेंटली इसको डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पे डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है डिलीट अकाउंट योर इज परमानेंटली, परमानेंटली अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू। फिर आपसे पूछेगा रीज़न कि आप इसको मतलब क्यों डिलीट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसमें से कोई ना एक कोई रीजंस बता देते। तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया आई नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूजफुल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोई भी आपको एक रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करते हैं तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे या फिर हम पहले वाले ऑप्शन को आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक क्लिक करके कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू करने के बाद में फिर से एक बार कंटिन्यू करना है आपको, जिससे क्या होगा ये आपका अकाउंट जो है यहाँ पे देखिए डीएक्टिवेट और नीचे की तरफ से आएंगे तो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। तो हमने फिलहाल यहाँ पे डीएक्टिवेटेड पे क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट क्या होगा परमानेंटली, अभी कुछ समय के लिए मैं इसको डीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ। देखिए अब आपको डीएक्टिवेट करना चाहे तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया तो क्या होगा परमानेंटली डिलीट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक बार ऑप्शन आपको बीच में स्टॉप करके इसने पूछा है कि अगर हो सकता है बाय मिस्टेक वहाँ पे डीएक्टिवेट ना सेलेक्ट की हो और बाय मिस्टेक आप आगे बढ़ गए हो, तो यहाँ से भी आप डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है ना डीएक्टिवेट अकाउंट, तो फिलहाल हम डीएक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सीधा इसको कंटिन्यू कर दे रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया और यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा री एंटर पासवर्ड, जो भी आपके अकाउंट का पासवर्ड हो, फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है, तो मैं आप मेंशन कर दे रहा हूँ पासवर्ड अपना। इससे क्या होता है, ये कंफर्म करता है कि आप ही वो मेन एडमिन हो जो आप इस पेज को या इस अकाउंट को हैंडल कर रहे हो। अगर हैंडल कर रहे हो तो आपको पासवर्ड भी पता होगा। तो फिलहाल मैंने सेलेक्ट पासवर्ड अपना एंटर कर दिया। अब यहाँ से आपको सिंपल से कर देना है कंटिन्यू। अब जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन आएगा। अब ये कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन का ऑप्शन आ गया है, यानी बता रहा है कि परमानेंटली ये डिलीट हो जाएगा। तो अगर हम इसको कंटिन्यू कर दे रहे हैं तो ये अकाउंट क्या होगा परमानेंटली जो है डिलीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से कंटिन्यू इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सीधा लॉगिन वाला ऑप्शन खुल गया है। अब अगर आप इसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा, यानी ये जो हमारा अकाउंट था ना कि परमानेंटली डिलीट हो गया। मैंने इस अकाउंट को केवल इसीलिए बनाया था कि मैं आपको डिलीट करना सिखा सकूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो को शेयर कर, पेज पर नया है तो पेज को फॉलो कर ले, अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।